बॉलीवुड जगत में पंचम दा के नाम से मशहूर राहुल देव बर्मन यानी आरडी बर्मन की 4 जनवरी को पुण्यतिथि थी। 1994 को इस दुनिया को अलविदा कह देने वाले इस महान कलाकार ने यानी कि महान संगीतकार ने फिल्मी दुनिया को बहुत सारे ऐसे गीत दिए हैं जो आज भी ट्रेंडिंग है। लेकिन भारत में 80 का दशक एक ऐसा दौर था जब सिनेमा में अच्छा संगीत धीमी मौत मर रहा था, मेलोडी के कद्रदान तेजी से कम हो रहे थे। ये वो दौर था जब संगीत से ज्यादा अहम हीरो का एक्शन था और अमिताभ बच्चन सरीखे अभिनेता फिल्मी पर्दे पर छा गए थे। ऐसे में अच्छे संगीत की जरूरत पर अच्छा एक्शन और डायलॉग हावी होने लगा था। ये वही वक्त था जब बप्पी लहरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल भी हिट संगीत देने लगे थे और इसका खामियाजा पंचम दा को भुगतना पड़ा था। 80 के दशक वो समय था जब दक्षिण भारतीय फिल्मों के हिंदी रीमेक आने लगे और हीरो हीरोइन के भड़कीले डांस को ज्यादा जगह मिलने लगी और मेलोडी पर भारी भरकम म्यूजिक आ गया। यहाँ तक कि आरडी बर्मन के बेहद करीबी किशोर कुमार भी अब नए संगीतकारों के लिए दोयम दर्जे के गाने गा रहे थे। ये सब देखना आरडी बर्मन के लिए बहुत मुश्किल भरा था और वो ज्यादा खुश नहीं थे। साल 1987 में किशोर कुमार की मौत ने आरडी बर्मन को और भी दुख पहुंचा दिया। वो बुरी तरह से टूट गए थे। इन सभी बातों की पुष्टि आशा भोसले अपने पहले एक इंटरव्यू में दे चुकी थी कि आरडी बर्मन बॉलीवुड में संगीत के गिरते स्तर से परेशान थे। हालांकि इस बीच उन्होंने गुलजार की कुछ फिल्मों में जैसे लिबास, इजाजत, अंगूर, नमकीन और मासूम में अच्छा संगीत दिया। आरडी बर्मन के संगीत ने सनी देओल की बेताब, संजय दत्त की रॉकी और कुमार गौरव की लव स्टोरी की लॉन्चिंग में मदद भी की, लेकिन फिर भी आरडी बर्मन खुश नहीं थे। वो खुद को दर्शकों की बदली हुई पसंद के मुताबिक ढालने की जो जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। आरडी बर्मन की आखिरी फिल्म 1942 एक लव स्टोरी के संगीत को लेकर एक किस्सा बेहद मशहूर है। निर्माता निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा इस फिल्म के संगीत के लिए पंचम दा के पास गए। पंचम दा ने उन्हें फिल्म का स्कोर सुनाया, लेकिन विधु को वो पसंद नहीं आया। विधु बताते हैं कि उन्होंने कहा कि इस संगीत से आरडी गायब है। तब पंचम दा ने उन्हें कुछ वक्त देने के लिए कहा और फिर जब विधु वापस आए तो वो कुछ नई ही धुन सुना रहे थे और वो आरडी की आखिरी और शानदार परफॉर्मेंस भी थी। तो बॉलीवुड में आज इतना ही। हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड की अन्य दिलचस्प खबरें जानने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।